हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की एक और नई भर्ती जो कि यहाँ पर रद्द कर दी गई है। और इसमें शिक्षक भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड या अन्य पद इसमें थे, तो इन पदों की वैकेंसी जो है यहाँ पर रद्द करते हुए यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया करने के बाद रोक दी गई है। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ कौन कौन से पद है, कितने कितने पद थे इसमें। आप लोग देख सकते हो उत्तराखंड में छावनी परिषद नैनीताल, यहाँ पर पोस्ट निकल के आ रखी थी जो कि यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए निकल के आ रखी 14 फरवरी को। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग था, इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट थी और एकनस के सहायक की पोस्ट थी और रेवेन्यू कलेक्टर की पोस्ट थी और टीचर की पोस्ट थी, यहाँ पर सहायक अध्यापक की और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट थी। ये पोस्ट थी जिसमें आप अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रखी गई थी और यहाँ पर पंप ऑपरेटर का भी था। तो ये पोस्ट आपकी निरस्त कर देगी जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए यहाँ पर ऑफिस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड नैनीताल इसकी ओर से यहाँ पर जो है 23 फरवरी को यहाँ पर जारी कर दिया गया। 14 को निकाला गया था और 23 फरवरी को निरस्त कर दिया गया है। और कहा गया कि यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर जो है कार्य की वजह से यहाँ पर जो है ये कुछ एम्प्लॉयमेंट इश्यू डेट जो कि आप 25 से लेकर 3 तक आपका रिन्यूमरेशन होना था, इन पोस्ट पर यहाँ पर जो है बताया गया है कि ये अब 20 मई तक यहाँ पर जो है इसके ओपन साइट पर चेक कर सकते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट जो फ्यूचर है ये इनको जो है बाद में विजिट कर सकते हैं बताया गया है। और फिलहाल ये जो है यहाँ पर पोस्टपोन कर दिए हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ पर्सनल रीजन की इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर जो है ये अभी जो है ये जो है वेबसाइट है यहाँ पर जो है नहीं हो पाएंगी और कैंसिल कर दी गई है। और कुछ टाइम के लिए बाद में अगर खोलेंगे तो वेबसाइट में जो है अपडेट कर दिया जाएगा बताया गया है, जो कि यहाँ पर अभ्यर्थियाँ कैंसिल कर दी गई हैं जो कि आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं।